दोस्तों आज की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आया है हमारे चैनल के तरफ से, आपको दिया जा रहा है यू न्यूज। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये न्यूज आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के जो 24,000 पद है, जो रिक्त पद है, यानी जो खाली पद है, उसको भरने के लिए मुख्यमंत्री ने कठोर निर्देश दे दिए सभी विभाग को। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य के आला अधिकारी को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPC और झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग यानी JSCC में निलंबित, यानी जो भी निलंबित 15,000 नियुक्ति है, उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिया है। ठीक है, यानी जो पद निकाल चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का निर्देश दिया है। उसमें से आपको बता दें कि पंचायत सचिव, उत्पाद सिपाही चयन और छट्टी JPC और उत्पाद सिपाही, ठीक है, इसका पद भारी मात्रा में है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा दोनों आयोग को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त जो 9,000 पद है, जितने और नया उसमें निकाला गया था, उसको भी जल्द से जल्द नियुक्त करने के लिए कहा। श्री सोरेन यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पर्वत खबर के 24 फरवरी के अंक में छापी खबर के बाद ये प्रतिक्रिया दिया, ये प्रतिक्रिया उन्होंने मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव एवं अन्य विभाग के सचिव एवं अधिकारियों को प्रोजेक्ट भवन में बुलाकर ये सूचना या जानकारी बोल सकते हैं उन लोग को दिया कि आप लोग ये जो भी पद रिक्ति निकाल चुके हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने साथ ही JPC द्वारा जो छठी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में जो विवाद आ रहा है कि आरक्षण का मुद्दा या जो भी है, उनको भी कार्मिक सचिव से विस्तृत जानकारी और बातचीत करने के बाद उन्होंने इस मामले को अभी रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने निर्देश दिया है कि जो कार्मिक सचिव है और उनके बीच एक वार्तालाप होगी, उसके बाद ही इस पे आगे रोकने की या स्थगित करने की कार्रवाई हो सकती है। तो ये न्यूज बहुत ही अच्छा निकल कर आया है कि 24,000 जो पद है उनको मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द भरने के लिए सभी विभाग को कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही उसमें एक भी बात दी गई कि मुख्यमंत्री का कहना है कि जो स्थानीय को लाभ देने के लिए नियमावली को कुछ सुधार किया जा सकता है। तो नियमावली को क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में आपको बता दें, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समीक्षा कर जितने भी अधिकारी है उच्च लेवल के सचिव, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति नियमावली में आवश्यक सुधार करने के लिए कहा है। यानी जो नियुक्ति नियमावली में सुधार करने की आशा कर सकते हैं कि जाकि झारखंड के स्थानीय को इसमें ज़्यादा लाभ मिले, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने इसमें कठोर निर्देश दिए ताकि स्थानीय व्यक्ति को अधिक से अधिक नौकरी दी जा सके। उन्होंने JPC एवं JSCC से भविष्य होने वाली नियुक्ति के लिए नए नियमावली के तहत ये नियुक्ति करने का आदेश दिया है। यानी पहले देखिए, अब नया वैकेंसी जो निकलने वाली है वो नए नियमावली पर ही निकलेगी, यानी पहले नया नियमावली बनेगी, उसके बाद उसी के आधार पर JPC और JSCC की सारी जो नए वैकेंसी निकलने वाली है वो निकलने वाली है। तो उन्होंने विभाग के अधिकारी को अपने विभाग में जितने भी रिक्त पद है उनकी समीक्षा करके नए सिरे से उनमें बहाली करने के लिए आदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने बता दें कि जो भी पद खाली थे उनको भी जल्द से जल्द भरने के लिए कहा। तो ये प्रभाग का जो 24 तारीख को न्यूज दिया था उनका इम्पेक्ट इसमें देखने में मिला है कि मुख्यमंत्री जी ने जो ट्विटर के माध्यम से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसको आप आगे ट्वीट भी कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द इसमें और आगे कार्रवाई करें कि जाके जो भी पेंडिंग वैकेंसी है उसको जल्द से जल्द क्लियर हो और विद्यार्थी को इसका लाभ मिले। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।